गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये चैप्टर जैसे कि आपको पता है कि हुआ नहीं था, तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जैसे कि आपके सामने है, नाम देख लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जब कोई क्राइम होता है, अगर कोई पर्सन क्राइम करता है या नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। अगर क्राइम किया है देन ही विल बी पनिश्ड। अगर किसी किसी को झूठा ही फंसाया जा रहा है, मीन्स क्राइम नहीं किया लेकिन फिर भी कोई फंस गया है, तो फिर ऐसा किस तरह से, ऐसा क्या सिस्टम हो कि किसी को कोई सज़ा भी ना मिले। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें हमारे सभी कोर्ट्स आ जाते हैं, अदालतें आ जाती हैं। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ी बड़ा जो कोर्ट है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा हर स्टेट में लगभग हाई कोर्ट है और उसके बाद लोकल कोर्ट्स होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखना है कि जब कोई क्राइम होता है देन सबसे पहले व्हेन वी रजिस्टर एफआईआर, एफआईआर कहाँ रजिस्टर करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले रोल किसका है, पुलिस का। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ ही पुलिस जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको कहाँ लेके जाती है, कोर्ट में। तो कोर्ट में कौन सा, कौन कौन से पर्सन रोल प्ले करते हैं, लॉयर्स, डिफेंस लॉयर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो डिसीजन ओवरऑल कौन लेता है, जज। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, ये सब का क्या रोल है उनको हम लोग जानेंगे। उसको जानने से पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू रीड दिस स्टोरी। इस स्टोरी में एक मिसिस शिंदे है, जैसे कि आपके सामने ये लेडी दिखाई गई है मिसिस शिंदे, और इसके घर में इन्होंने कहीं पे मैरिज पे जाना है, और ये मिस्टर शिंदे है। मैरिज पे जाने के लिए जब ये रेडी हो रही होती है तो उसको अपना एक गोल्ड नेकलेस नहीं मिलता, तो उसको डाउट होता है कि शायद जो हमारे घर की जो मेड है शांति, ये है शांति, उसको लगता है कि शांति ने उसका नेकलेस चुरा लिया है। तो उसके ऊपर इनको शक होता है, तो उसका जो हस्बैंड है मिस्टर शिंदे वो शांति के रूम में जाता है और उसका जब ट्रंक ओपन करके देखता है तो वहाँ से उसको 10,000 का एक एनवेल्प मिलता है। तो उनको यकीन हो जाता है कि यस, इसी ने ही वो गोल्ड चेन चोरी की है और उसको बेचने के बाद ये अमाउंट उसके पास आई है। तो इसीलिए मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है, शांति के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाता है, और वहाँ पे जो मिस्टर राव एसआई सब इंस्पेक्टर मिस्टर शिंदे की एफआईआर पर जो मिस्टर राव है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, वो एफआईआर रिकॉर्ड करता है और उसके साथ मिस्टर शिंदे के साथ वापस घर आता है, और वहाँ पे जो भी उनको मिलता है, प्रूफ मिलता है उस अमाउंट को 10,000 को, वो उसको अपने पास रखता है एज अ प्रूफ, और यहाँ पे शांति को वो अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद उसका भाई, शांति का भाई सुशील वहाँ पे आता है उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उसके साथ भी बहुत बुरा बिहेव किया और उसको भी बंद कर दिया जेल में, और उसने बताया भी कि हमने चोरी नहीं की है, ये हमारी पिछले एक साल से सेविंग है, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, हम दोनों सेव कर रहे हैं, तो हमारी ये सेविंग है, हमने चोरी नहीं की। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसको बोला जाता है कि तुम शांति की बेल करवाओ, तो उसने बोला कि मैं बेल कैसे करवाऊँ, जो हमारी सेविंग थी वो पैसे तो आपने रख लिए, अब हमारे पास कहाँ पैसे आएंगे। तो इस तरह से जब भी हमने किसी की बेल करवानी होती है तो वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी एक अमाउंट जमा करवानी होती है, प्लस कोई ना कोई पर्सन जो श्योरिटी के लिए, कि उस पर्सन की श्योरिटी के लिए एक पर्सन भी चाहिए होता है। तो इसीलिए कोई उसकी बेल नहीं करवाता। तो लगभग एक मंथ के आसपास जो शांति, उसको जेल में रहना पड़ता है। बाद में जो पुलिस
ऐसा ही है मिस्टर राव, उसकी एक चार्जशीट तैयार करता है कि क्या चार्ज है शांति के ऊपर, क्या चार्ज है। उसकी चार्जशीट तैयार करके अब शांति को कहाँ पे लेके जाता है, कोर्ट में। कोर्ट में जब शांति पहुँचती है तो कोर्ट में ऐसे नहीं, बेशक कोई कसूरवार है या कसूरवार नहीं है, देन एवरीबडी हैव राइट टू से देयर पार्ट, अपनी जो बात है उसको रखने का सबको अधिकार है। तो कोर्ट में आते ही जो शांति है वो जज को बोलती है कि मैंने चोरी नहीं की है, मुझे ऐसे ही फंसाया गया है, लेकिन आई एम अनएबल टू हायर अ लॉयर, कि मैं लॉयर हायर नहीं कर सकती। तो इसीलिए वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन लॉयर हायर नहीं कर सकता, देन दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ लॉयर, तो लॉयर उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसी तरह से इस आर्टिकल को याद रखिए, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हर पर्सन का फंडामेंटल राइट है कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और वो अनेबल है एक लॉयर को हायर करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर, और उस लॉयर को डिफेंस लॉयर कहा जाएगा। ओके तो कमला रॉय, मिसिस कमला रॉय जो है, एडवोकेट कमला रॉय जो है, उसको शांति का लॉयर अपॉइंट किया जाता है। और शांति और उसका भाई जो है, दोनों ही अपनी बात बताते हैं कि हमने सेविंग करके 10,000 रुपीज़ जोड़े थे, लेकिन हमने, हमारे जो मालकिन है, ऑनर है, उसने कहा कि मैंने चोरी की है, नेकलेस चोरी किया है। तो इसी तरह से ट्रायल शुरू होती है कोर्ट में। कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, वो लॉयर जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के फेवर में, मींस वो क्राइम के अगेंस्ट जो जो केस लड़ रहा है, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। तो सबसे पहले एज अ विटनेस के चोरी की है शांति ने, एज अ विटनेस मिसिस शिंदे को कटघरे में बुलाया जाता है। ओके तो वहाँ पे बुलाने के बाद यहाँ पे वो जो लॉयर है मिसिस शिंदे से क्वेश्चनिंग करता है कि आपको कैसे, आप कह सकते हो कि शांति ने चोरी की है। तो उसने बोला कि मेरी काफ़ी समय से शांति मेरे घर में काम कर रही है और काफ़ी समय मेरे रूम में वो टाइम स्पेंड करती है, मेरे रूम में और कोई नहीं आता, मेरे रूम में, मेरे घर में जो मेरा नेकलेस है वो मिसिंग है। और जब मेरे हस्बैंड मिस्टर शिंदे ने उसका ट्रंक चेक किया तो वहाँ पे 10,000 रुपीज़ मिले एक एनवेल्प में, तो जिसका मतलब ये है कि उसने मेरी गोल्ड चेन बेच के ये 10,000 रुपीज़ उसके पास आए, अदरवाइज उसके पास कैसे इतनी बड़ी अमाउंट आ सकती है। ठीक है, तो ये कहना था मिसिस शिंदे का। तो जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके बाद, उससे बात करने के बाद, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए कमला रॉय, एडवोकेट कमला रॉय उससे क्रॉस एग्जामिन करती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, तो उनसे बात करती है कि मिसिस शिंदे, इट मींस आप लोगों ने शांति को चोरी करते नहीं देखा और ना ही आपको उसके पास से चेन मिली है, और आप हर महीने उसको 1,000 सैलरी भी देते हो, पिछले 3 साल से वो काम कर रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 रुपीज़ उसके पास खुद का सेव किया हुआ भी हो सकता है। तो उसने यहाँ पे प्रूव किया, एक तरह से बताया कि ये अमाउंट उसकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं उसने चोरी की हो। तभी ट्रायल के दौरान ही एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ट्रायल के दौरान ही इंस्पेक्टर शर्मा जो होता है, वो एक गैंग, कितने सारे लोगों की, मैन की, यंग मैन की गैंग को अरेस्ट करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन कोर्ट में देता है कि ये सब ज्वेलरी स्टील करने वाली गैंग है, और उस गैंग में जो लड़के हैं वो मिसिस शिंदे के बेटे के फ्रेंड्स हैं, और मिसिस शिंदे की चेन भी उन्हीं के पास मिलती है। जब उस चेन को दिखाया जाता है तो प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे शांति ने चोरी नहीं की है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी अमाउंट उसको वापस कर दी गई। ओके और यहाँ पे जो SI राव है, उसको भी, उसने अच्छी तरह से जो अपना काम नहीं किया उसके लिए भी उसको बताया गया, ठीक है, समझाया गया। तो इस तरह से इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा किन किन लोगों का काम है, किस किस का क्या फंक्शन है, किन किन लोगों का मेन रोल है, जिसमें सबसे पहले पुलिस FIR दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट फाइल करके
उस एक्यूज्ड पर्सन को कहाँ भेजती है, कोर्ट में। तो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो डिफेंड करता है जिस एक्यूज्ड पर्सन को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट केस लड़ता है, और डिफेंस लॉयर जो है एक्यूज्ड पर्सन के फेवर में केस लड़ता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर की बातों को सुन के, उनके जो भी प्रूफ हैं उन सबको देख के, उनकी सब दलीलों को सुन के, जज डिसाइड करता है, वो जजमेंट देता है कि वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज इनोसेंट और नॉट। ओके, सो इस तरह से इन सब का रोल हमने एक एक करके देखना है कि सबसे पहले पुलिस का क्या रोल है। जैसे कि जब भी क्राइम होता है, FIR दर्ज करवाई जाती है, पुलिस जगह पे पहुंचती है, विटनेसेस एविडेंस कलेक्ट करती है, उनके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करती है और एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करती है, उसके बाद चार्जशीट दायर की जाती है। ओके, तो पुलिस के लिए, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके लिए भी कुछ कानून होते हैं। उसके लिए कानून ये होते हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले ये बताया जाता है कि उसको किस लिए अरेस्ट किया जाता है। और ये भी रूल है कि विद इन 24 आवर्स दैट अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। ओके, एंड इफ एनी पर्सन इज टेकन अंडर कस्टडी और अरेस्टेड, दैट पर्सन कैन नेवर बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर नहीं किया जा सकता। एंड कोई भी कन्फेशन जो पुलिस स्टेशन में किया गया हो उसको मान्यता नहीं दी जाती, उसको सही नहीं माना जाता, वो बदल भी सकता है। और किसी भी 15 साल से कम की एज के लड़के को या विमेन को सिर्फ पूछताछ के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो इस तरह से इन सब से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको DK बासु गाइडलाइंस कहा जाता है। ओके, तो इसमें भी यही लिखा गया है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन को अधिकार होता है कि अरेस्ट होने से पहले वो अपने किसी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सके। ओके, तो इस तरह से ये DK बासु गाइडलाइंस सब बच्चे पढ़ लें। उसके अलावा FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई जाती है, इस तरह से उसका कुछ पेज होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें FIR जो है रजिस्टर की जाती है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द पर्सन हु फाइट अगेंस्ट द पब्लिक रोंग, जो सोसाइटी के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, उस क्राइम के लिए जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो उसके अगेंस्ट केस लड़ता है, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। जैसे कि मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे का जो लॉयर है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ऐसे ही डिफेंस लॉयर, आपको पता है कि जो पर्सन, जैसे कि शांति, शांति को डिफेंड करने के लिए डिफेंस लॉयर होता है। अगर हम बात करें जज की, जज दोनों ही वकीलों की, दोनों ही लॉयर्स की दलीलों को ध्यान से सुनता है, उनके एविडेंसेस को देखता है, उनकी बातों को सुनता है, प्रूफ्स को देखता है, उसी के बेसिस पे वो जजमेंट देता है कि वो पर्सन जो है गिल्टी है या नहीं। उसके बाद है व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर होता है सही, सही ढंग से जो ट्रायल होती है कोर्ट में, जहाँ पे जब कोई क्राइम होता है तो हर पर्सन को अपनी बात रखने का अधिकार हो। हर पर्सन को अगर अपनी बात रखने का अधिकार है, और हर बंदे को, चाहे वो उसने क्राइम किया है या नहीं है, अपना पक्ष रखने का अधिकार हो और सही डिसीजंस लिया जाए। जैसे शांति, बेशक शांति को पहले बेकसूर थी, वो उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन अल्टीमेटली इन द एंड शी गॉट जस्टिस। तो एक तरह से इसको हम फेयर ट्रायल कह सकते हैं। ओके, अगर ये फेयर ट्रायल नहीं होती, ऐसे ही शांति को कसूरवार मान लिया जाता, तो वो फेयर ट्रायल नहीं होती, राइट? तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि मेन जो रोल किस किस का है, किस पर्सन का क्या रोल है, पुलिस का रोल क्या है, जज का रोल क्या है, लॉयर्स का क्या रोल है, इन सब के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए
इसी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो भी पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज की क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, इस एक्सरसाइज को आप करके कर सकते हैं। इनको मैचिंग करिए, आप सब अपनी बुक में मैचिंग करिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा, तो उन सब क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में कर लेना। और आप सबको ये जो ग्लॉसरी में जो डेफिनेशंस हैं ये सब आपने ज़रूर करनी है। ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ योर होमवर्क, राइट दिस इन योर नोटबुक। ओके, तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर में बस इतना ही, तो इस वीडियो में इतना ही, और जो काम आपको बोला गया है उसको अच्छे से करिए, ठीक है।